नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। भिंड पुलिस ने हथियारों को जखीरा पकड़ा। खबर मध्य प्रदेश के भिंड पुलिस की अवैध हथियार तस्कर पर बड़ी कार्यवाही। कुल 39 अवैध हथियार, 37 कट्टा, 2 पिस्टल, 7 राउंड सहित 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना के दिशा निर्देश पर मध्य प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता की सहायता के लिए मध्य प्रदेश पुलिस सक्रिय पूर्ण कार्य कर रही है। पुलिस महानिरीक्षक चंबल जोन सुशांत सक्सेना और पुलिस महानिरीक्षक सुश्री कृष्णा वेनी दिशाओं के मार्गदर्शन में नागरिकों की सुरक्षा और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए भिंड पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। इसी तरह में पुलिस मुख्यालय द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी जिलों में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिस पर पुलिस अधीक्षक भिंड मनीष खत्री, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारी व थाना प्रभारी को मुख्यमंत्री तंत्र विकसित कर कार्रवाई करने के लिए निर्देश किए गए थे। इस संबंध में उन विभागीय अधिकारियों महिलाओं को दीपक तोमर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चौहान को दिनांक 31 अगस्त 2023 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति गोपालपुर चौराहा से आगे ग्राम गोरा तरफ आ रहे हैं, जो अलग अलग अपनी पीठ पर काले रंग का पिट्ठू बैग टांगे हुए हैं, जिनमें अवैध हथियार रखे हुए हैं। वक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों अवगत कराकर निर्देश प्राप्त कर तत्काल थाना प्रभारी द्वारा एक टीम बनाकर मुखबिर द्वारा बताए स्थान गोपालपुर चौराहा से आगे ग्राम गोरा के पास जाकर देखा तो वहां मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिया के दो व्यक्ति बैग टांगे हुए खड़े देखे, जो पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें चारों तरफ से घेराबंदी कर पुलिस द्वारा पकड़ा गया। वह दोनों व्यक्तियों की तलाशी लेने पर एक के बैग में 4 कट्टा 12 बोर के 2 देसी पिस्टल हाथ की बनी और एक 38 बोर देसी हाथ का बना कट्टा तथा 7 देसी कट्टा अपराधियों को पकड़कर कार्रवाई की। भिंड जिला संवाददाता दिलीप सिंह सेंगर की रिपोर्ट। इनके संपर्क जो है उसके संबंध में विवेचना की जाए।